पिछले कई सौ वर्षों के दौरान कई सत्ताओं और संघर्षों का गवाह रहे। विश्व प्रसिद्ध हीरे कोहिनूर को भारत वापस लाने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कोहिनूर हीरे को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सांस्कृतिक मंत्रालय के मुताबिक सीधे तौर पर कोहिनूर पर दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोहिनूर को लूट कर नहीं ले जाया गया और ना ही वो चोरी हुआ है, बल्कि महाराजा रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कोहिनूर हीरा दिया था। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि इस याचिका को लंबित रखा जाएगा, क्योंकि अगर ये खारिज होती है तो केस कमजोर हो जाएगा और कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। जहां एक तरफ कोहिनूर पर भारत अपना दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी इस पर अपनी दावेदारी ठोक चुका है। पाकिस्तान में लाहौर की एक अदालत में याचिका में कहा गया कि ब्रिटेन ने महाराजा रंजीत सिंह के पोते दलीप सिंह से कोहिनूर छीन लिया था और ब्रिटेन का कोहिनूर पर कोई हक नहीं है। दलीप सिंह को जब हटाया गया तब वो हमारे पंजाब के राजा थे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे कोहिनूर ले लिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस हीरे की चोरी लाहौर से की गई, इसलिए कोहिनूर पर भारत से कहीं ज्यादा पाकिस्तान का हक है। वैसे पाकिस्तान के अलावा कई और भी ऐसे देश हैं जो कोहिनूर को अपनी संपत्ति मानते हुए ब्रिटेन से इसे वापस करने की अपील कर चुके हैं। गोलकुंडा की खान से निकले कोहिनूर पर भारत ही अकेला एक ऐसा देश नहीं है जो दावेदारी ठोक रहा है। इस फेहरिस्त में पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के तालिबान शासक और ईरान भी शामिल है, क्योंकि इसे ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत से लूटा और इसके बाद ये हीरा अफगानिस्तान के शासकों तक पहुंचा और वहां से होता हुआ ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के शासक रंजीत सिंह के पास पहुंचा। फिलहाल कोहिनूर ब्रिटेन की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। कोहिनूर की वापसी पर दायर याचिका पर केंद्र सरकार ने जो कोर्ट में दलील दी है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि वो किसी भी तरह से अपना दावा ब्रिटेन के सामने नहीं पेश कर सकती। फिलहाल 6 हफ्ते का समय मिला है, देखते हैं क्या होता है। देखते रहिए जीबी लाइव।